Mr. Vinod sir is welcoming to you on our YouTube channel VS English Academy. This video we are going to discuss different kinds of leaflet. Okay, different kinds of leaflet. इसका मतलब क्या है? इसके पहले जो तीन वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उन तीनों वीडियोस में जो है अलग अलग प्रकार के टॉपिक के आधार पर लिफलेट लिखी गई है. ठीक है, मतलब लिफलेट के बारे में मैंने आपको बताया है, लिफलेट कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उसके साथ साथ लिफलेट और अपील भी क्या होता है, लिफलेट और अपील में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें जो है ना मैंने इसके पहले वाले तीन वीडियोस में क्लियर की. इस वीडियो में भी और एक प्रकार का हम लिफलेट बनाने जा रहे हैं. देखते हैं कि क्या प्रकार का लिफलेट रहेगा और क्या टॉपिक रहेगा और किस प्रकार से उसको स्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, अपील ये जो है ये इंग्लिश राइटिंग स्किल का 4 मार्क्स के लिए आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट बट स्वीट में, बहुत ही कम समय में हम 4 में से 4 मार्क्स स्कोर करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर स्टूडेंट्स के पास कोई है, और इजीएस्ट लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स में और कम शब्दों में, ठीक है, हम 4 में से 4 मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स जो है ना इस क्वेश्चन के आधार पर या फिर इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है ना स्कोर कर सकते हैं. इसीलिए और इजी तरीके से, बिल्कुल दिमाग का ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो. देखो, लिफलेट तो लिखना है, लेकिन किस प्रकार की लिफलेट है? ये लिफलेट जो है ना अपील, अपीलिंग लिफलेट है. अब अपीलिंग लिफलेट मतलब क्या होता है? अपील मतलब ही लोगों को रिक्वेस्ट करना, किसी चीज के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना, लोगों को जगाना, उत्साहित करना, ठीक है, उनको आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करना, मतलब ही होता है अपील करना. उनका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, फिर हमें मिलना चाहिए कोई तो भी एक नेक काम के लिए, इसलिए उनको तैयार करना मतलब ही होता है अपीलिंग करना. तो अपीलिंग क्या होता है? और अच्छा ठीक है, अपील और लिफलेट में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल ही, लिफलेट के अंदर में ही आता है अपीलिंग करना. ठीक है, तो अपील ये जो है लिफलेट का ही एक पार्ट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. तो अभी कौन सी अपील या फिर किस प्रकार की लिफलेट लिखने जा रहे हैं? अभी हम लिखेंगे कि हमें पता है कि देखो एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा तरीके से हो रहा है. ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा जो है ना ट्रीज का कटिंग चल रहा है. ठीक है, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज. बिना कुछ सोचे समझे जो है ना हम लोग बस एनवायरमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ट्रीज के ऊपर, खास करके एनवायरमेंट, मतलब ट्रीज ही हमारा एनवायरमेंट का मेन फैक्टर है, मेजर फैक्टर है. इफ देयर इज नो ट्री, ठीक है, अगर ट्री नहीं है तो एनवायरमेंट नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. तो ट्री के ना होने की वजह से या फिर एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस होने की वजह से, इम्बैलेंसिंग इफ इज देयर इन द एनवायरमेंट, तो उसकी वजह से दुनिया भर के चैलेंजेस जो है ना हमें सामना करना पड़ता है. और ऐसे भी कुछ चैलेंजेस है जिनका सामना करते करते हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो समस्या है जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगा. तो इसीलिए जिस कारण या जिस कारण मतलब हमारे इंटरफेयर करने की वजह से, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है या फिर इनडायरेक्ट इंटरफेयर, वे आर इंटरफेयरिंग इन द एनवायरमेंट. रिक्वेस्ट लेटर नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्टिंग अपील हम कर रहे हैं जनता को. अब इसमें कौन कौन सी चीजें हम मेंशन करेंगे? देखो, ट्री प्लांटेशन के बारे में हम बताएंगे, उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट में इम्बैलेंस तैयार होता जा रहा है उसके वजह से उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और एनवायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो क्या क्या तरीके के उपाय होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या स्टेजेस होंगे जो हमें करना जरूरी है. तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं. तो सबसे पहला है हमारा क्या है, हमें एनवायरमेंट के बारे में लिखना है, तो सेव एनवायरमेंट. ठीक है, और लिफलेट जो होता है या फिर जो हम अपील लिखेंगे वो एक बॉक्स में होनी चाहिए, इसमें एक बॉक्स में आपको लिखना है. अगर मैं लिखने जाऊं तो कुछ इस प्रकार से उसका फॉर्मेट रहेगा. देखो, अब मैं अगर इस प्रकार से लिखता हूं तो बहुत ही कम जगह पर मुझे लिखना होगा, जिसकी वजह से कंजेस्टेड हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आपको उस हिसाब से लिख के देता हूं. ठीक है, ये रहेगा हमारा मार्जिन वगैरह वगैरह, यहाँ पे आएगा हमारा टाइटल. ठीक है, टाइटल जो है ना बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे शुरुआत से. ठीक है, सेव एनवायरमेंट ठीक है, सेव प्लैनेट. एनवायरमेंट को बचाते हैं, इसका मतलब ही हमारा जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं, पता है कि हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? वी आर लिविंग ऑन द प्लैनेट जिसका नाम है द अर्थ. ठीक है, तो एनवायरमेंट को बचाना मतलब ही जो है हमारे प्लैनेट को बचाना होता है या फिर होगा. सो सेव प्लैनेट, प्लैनेट. ठीक है, तो
से हमारा जो टाइटल ऑफ दी लिफलेट है या फिर अपील है ऐसा बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, सुवर्ण अक्षरों में हमें लिखना है। आप चाहो तो इसके नीचे जो है ना बढ़िया छान तरीके से अंडरलाइन भी दे सकते हो, ठीक है, देते हो तो भी अच्छा रहेगा, नहीं देते इसका मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन देते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइटेड में वो आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ चार दो स्लोगन लिखना है, ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब इसके साथ साथ इसके नीचे जो है ना अर्थ से रिलेटेड या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चार दो पॉइंट्स हमें लिखना होगा। अब कौन कौन से पॉइंट्स लिखते हैं, चलो पता है हमें कि अर्थ जो है ना माता जी है, हाँ ये जो हम पॉइंट्स लिखेंगे वो नंबरिंग में नहीं होने चाहिए, तो फिर किसमें, वो सिंबल्स में होने चाहिए, ठीक है। सो अर्थ EARTH, ठीक है, अर्थ इज अवर मदर, बोलते क्या नहीं भारत मेरा देश है, तो अर्थ इज अवर, इज आर मदर। तो देखो कहीं पे स्मॉल कहीं पे कैपिटल, इसका मतलब गलत लिख रहा हो ऐसे बिल्कुल ही नहीं है, यही एक आत्मा होती है लिफलेट की, यही फॉर्मेट होता है, यही करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग लिफलेट या फिर राइटिंग अपील होता है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। उसकी वजह से एक प्रकार का कैचिंग पावर जो है हमारे लिफलेट में जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वो दमखम जो है ना हमारे इसमें। सो अर्थ इज अवर मदर, बराबर है, सेव आर मदर, सॉरी ये मैं यहाँ पे फिर से कैपिटल चाहिए, मदर, ये बात हो गई है। सो अर्थ इज अवर मदर, सेव आर मदर, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना ये लिफलेट लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, कोई भी, बस थोड़ा सा जो है ना हमें आइडिया आना चाहिए। प्रोटेक्ट अवर अर्थ, प्रोटेक्ट आर आर, ठीक है, ये सी है, दिखता ई जैसे है लेकिन सी है, ठीक है, और ये टी। सो प्रोटेक्ट आर अर्थ, अर्थ को बचाना है। हम ये सब किसको किसको सेंटर में रखते हुए लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब लिख रहे हैं, लेकिन उससे हमें हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, किसको सेंटर में रखते हैं, कौन है हमारे दिमाग में, कौन हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट है जनता, ठीक है, जनता को सेंटर में रखते हुए, जनता को टारगेट करते हुए ये सारी चीजें जो है ना उनको समझा रहे कि भाई अर्थ इज अवर मदर, सेव अवर मदर, ठीक है, अपनी माँ है तो माँ को बचाना है। उसके बाद प्रोटेक्ट अवर अर्थ, अपने अर्थ को बचाना है, ठीक है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, टुडे आज हमें अपने अर्थ को बचाना है, फॉर अवर, ठीक है, फॉर अवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बचाना है, फिलहाल अभी तो बच्चे नहीं होंगे लेकिन जिनकी शादी होगी इसो के लेंगे, जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, आज नहीं तो कल उनकी भी शादी हो जाएगी और बाल बच्चे रहेंगे, तो अपने बच्चों के खातिर जो है ना आज हमें अर्थ को बचाना जरूरी है। सो प्रोटेक्ट आर अर्थ टूडे फॉर अवर चिल्ड्रंस टुमारो, आने वाले भविष्य के लिए, इन शॉर्ट कहने का मतलब है आने वाले भविष्य के लिए जो है ना हमें आज आज धरती का रक्षण करना जरूरी है, धरती का रक्षण मतलब ही हमें एनवायरमेंट को बचाना है। तीसरा पॉइंट, गो ग्रीन, देखो जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिख के दे रहा हूं वैसे ही एग्जैक्टली लिखना है, ठीक है, यहां से कुछ चीजें आप उठा के जो है ना अपने माइंड का यूज करके भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसमें डालकर आप लिफलेट तैयार कर सकते हो, ठीक है, इससे आइडिया लेना है, क्योंकि मैं तो कोई भगवान का बाप नहीं हूं कि यही आएगा करके ऐसे बता, मैं जो मोस्टली पॉसिबिलिटी जहां पे ज्यादा है जिस टॉपिक से रिलेटेड लिफलेट आते हैं मैं उनके हिसाब से, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी होने वाले ही जो लिफलेट है आपको अच्छी तरह से समझा के दे रहा हूं, ठीक है, अगर कोई दूसरा आता है तो इससे कुछ मटेरियल जो है ना आप यूज कर सकते हो। सो गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन का मतलब जो होता है ना पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूशन होने वाले, ठीक है, जो भी गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं उनको निकाल कर फेंकना है। सो गो गो ग्रीन एंड हेल्प क्लीन, ठीक है, गो ग्रीन,
गो ग्रीन मतलब पोल्यूशन करने वाली सारी गैजेट जो है ना या फिर जो व्हीकल्स उसको निकाल कर फेंकना है, एंड हेल्प क्लीन मतलब क्लीनलीनेस को बढ़ाने के लिए या फिर क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए हमें मदद करो। इसके बाद नेक्स्ट ईच, ठीक है, ईच वन, अरे एक ने किसी एक की जिम्मेदारी नहीं कि भाई ये वो ही करे करके, ईच वन प्लांट वन, ईच वन प्लांट वन, इसका मतलब हर एक इंसान ने जो है ना एक पेड़ जो है ना लगाना चाहिए, ईच वन प्लांट वन। चलो आगे चलते, ये सारे इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, नंबरिंग नहीं देना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। स्टॉप किलिंग, मारना बंद कर दो, स्टॉप किलिंग, मारना बंद कर दो, किसको नहीं मारना है, स्टॉप किलिंग किसको, जो एनिमल्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, एनिमल्स किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, बर्ड्स किसी भी जाति प्रजाति का क्यों ना हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो है ना हमें मदद करते हैं किसके लिए, एनवायरमेंट में बैलेंसिंग लाने के लिए, टू मेंटेन द बैलेंसिंग और टू कीप बैलेंस टू अवर एनवायरमेंट, कौन मदद करते हैं, एनिमल्स भी मदद करते, इसीलिए एनिमल्स को मारना बिल्कुल ही गलत बात है, बोलते खाने के लिए तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे खाने की वजह से जो है ना कौन डिस्टर्ब हो रहा है, वो एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता जा रहा है, तो इसीलिए जो है ना, क्योंकि एनवायरमेंट को साफ सुथरा क्लीन रखने के लिए जो है ना एनिमल्स बहुत ही अच्छे तरह से मदद करते हैं। स्टॉप वाटर, स्टॉप सॉरी लंबे दूर हो गया, स्टॉप वाटर, वाटर का मिस यूज करना, ठीक है, या फिर वाटर जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, बरसात के समय हमने देखा है कि रस्ते के ऊपर ऐसे ही खाली पोखर जो है ना मीनिंगलेसली पानी बहता चला जाता है, तो उसको हमें रोकना है, शायद मुझे लगता है ये बहुत दूर हो गया है, स्टॉप वाटर, ठीक है, उस बहते हुए पानी को कहीं ना कहीं अटकाव करना है, रोकना है, ठीक है, और उसको डाइवर्ट करना है वाटर स्टोरेज में, चाहे वो तालाब हो, रिवर हो, कुआ हो, ऐसे कुछ जगह पर उसको जमा करके रखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज कर सके, ठीक है, आने वाले दिन के लिए बचा के रखना है। सेव द वाटर, सेव द वाटर नहीं सॉरी फ्यूचर, इसको स्टोर करके हम अपना फ्यूचर बचा सकते हैं, क्लियर, चलो सामने चलते, अरे ये तो पॉइंट नहीं दिया, यहाँ भी पॉइंट आना चाहिए, आगे चलते हैं, और क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं, यूज यूज इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं सॉरी, तो फिर हमारे एनवायरमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का असर, बुरा असर जिसको हम बोल सकते हैं, नहीं होगा, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट कार्बन का यूज, कार्बन इमिशन करने वाला, हमें पता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही डेंजरस गैस है हमारे लिए, ठीक है, तो वो रिलीज करने वाले, उसको इमिट करने वाले जो भी व्हाट दैट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं या फिर उसके साथ साथ काली कचरा वगैरह वगैरह जलाने की वजह से भी इस प्रकार का डेंजरस गैस जो है ना रिलीज होता है एटमोस्फियर में, एनवायरमेंट में छोड़ा जाता है, जिसके कारण एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, तो ये ना करना है, ठीक है, सो गो कार्बन न्यूट्रल, वो कार्बन न्यूट्रल, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो डेंजरस या फिर जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बुरा असर होता है या फिर जो जानवर होते हैं उनके ऊपर भी बुरा असर होता है, तो ये ना हो, या फिर इस प्रकार का डेडलीस्ट गैस जो है ना बाहर रिलीज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस लेना है, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज हम जो करते हैं, तो प्राइवेट के जगह पर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो ना उतना ज्यादा खतरा धोखा जो है ना हमारे एनवायरमेंट को, हमारे प्लैनेट को या फिर हमारे लिविंग क्रिएचर को नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने डाले हैं, ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखना है एक दो, और उसके बाद जो है ना अपना जिस जबरदस्त तरीके का ये लिफलेट जो है ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लिफलेट का एक हिस्सा है, जो भी अपील है लिफलेट, जो भी दोनों चीजें एक जैसी है, क्या करना है, पिक्चर्स ड्रॉ करना नहीं भूलना है, पिक्चर्स और एक लोगो होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पिक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं, बढ़िया शानदार तरीके से जो है ना हम पिक्चर
इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पिक्चर। ओके, इस प्रकार से पिक्चर बनाने की वजह से उस पिक्चर के माध्यम से जो है ना, उस पिक्चर के माध्यम से जो है ना, वो सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से बढ़िया शांत तरीके से जो है ना, आपको क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है। समझ में आएगी बात, एक पिक्चर ड्रॉ करना है, क्लियर। तो जबरदस्त तरीके से जो है ना, हमने पिक्चर ड्रॉ किया है, पिक्चर तो होना चाहिए। चलो सामने चलते हैं और देखते हैं कि इसके सामने और क्या लिख सकते हैं। यस, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, स्लोगन वगैरह वगैरह, वो इसके अंडर में हमें लिखना है। जैसे कि ये कुछ जो कि किसके साथ रिलेट करना चाहिए, एनवायरमेंट के साथ, अर्थ के साथ, प्लैनेट्स के साथ, ठीक है, नेचर के साथ रिलेट करने चाहिए। सो प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे, लिव हेल्दी, हम तंदुरुस्त रहेंगे, उसके साथ साथ लंबे समय तक भी जी सकेंगे, हमारी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी। लॉन्ग लिव, लिव हेल्दी एंड लॉन्ग लिव, मतलब लंबे समय तक हमारी लाइफ रहेगी, उसके साथ साथ हम हेल्दी भी रहेंगे, क्लियर। ये सारी चीजें आ गई इसमें, हमारे इस लिफलेट में। अब आगे क्या है, हो गए क्या, नहीं, और थोड़ी सी एक दो लाइन जो है ना इसमें ऐड करते तो बहुत जबरदस्त तरीके का हमारा ये लिफलेट जो है, या फिर जो अपील जिसको हमने कहा है, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए, ठीक है, लिफलेट में। अगर किसी इवेंट्स के बारे में, ये तो जो है ना हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्री प्लांटेशन का अगर कोई कैंपेनिंग या फिर कोई ड्राइव चल रहा है, ट्री प्लांटेशन, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड करता है वो ट्री प्लांटेशन का ड्राइव या फिर कैंपेन, तो फिर क्या करना है, कहाँ पे हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, वो जगह, ठीक है, वो प्लेस, वो एरिया, उनसे तारीफ को जा रहे हैं, ठीक है, कितने बजे जा रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजर है उस ड्राइव का, या फिर वो जो प्लांटेशन करने वाले हैं उसके हेड कौन है, किसकी लीडरशिप में वो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिफलेट में आनी चाहिए। अब इसमें वो नहीं है, ठीक है, इसमें वो सारी चीजें नहीं है। कौन सी चीजें नहीं है, ट्री प्लांटेशन करने का ये ड्राइव नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं, अवेयर करने के लिए जो है ना एक रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, अंदाज वाइज जो है यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन नहीं करना है। लेकिन अगर हम प्लांटेशन के ड्राइव की बात कर रहे हैं कि नहीं बाबा आओ, लेट ज्वाइन हैंड्स, ठीक है, सपोर्ट अस इन दिस प्लांटेशन ड्राइव, तो फिर उस समय में जो है ना हमें वो सारी चीजें मेंशन करनी होती है, जरूरी होती है, उसके बगैर हमारी लिफलेट अधूरी रह जाएगी फॉरएवर। चलते हैं आगे, लास्ट वन पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अभी, इट्स आर वर्ल्ड, इट्स आर वर्ल्ड, किसको कहा है, कि वो हमारी दुनिया है, कौन, ये जो धरती माता है, ठीक है, ये जो एनवायरमेंट है वो हमारी दुनिया है, कौन ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि दुनिया में या फिर अर्थ में या फिर जो एनवायरमेंट में रहने वाले लोग हैं, अब कौन रहते हैं, भाई हम रहते हैं, हमारे जैसे ही अदर लिविंग क्रिएचर भी रहते हैं, कौन है, बर्ड्स है, एनिमल्स भी है, सो ऑल दोस एनिमल्स, स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टू अस, क्या, इट्स अवर वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर दार जो है ना एनवायरमेंट के बीच में है, तो इस एनवायरमेंट को डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हो, इसका मतलब हमारे शेल्टर को, हमारे जो रहने की जगह हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करते हो, इनडायरेक्टली यू आर डिस्टर्बिंग अवर वर्ल्ड, अवर लाइफ, दैट्स व्हाई ऐसा ना करो, ऐसा हम लोगों को बता रहे हैं, उसके साथ साथ जो जीव जंतु है वो भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स अवर वर्ल्ड, टेक केयर ऑफ इट, उसकी रक्षा करो, ठीक है, उसकी रक्षा करो। तो ये हो गया हमारा यहां तक का पॉइंट। अब सामने चलते हैं, इसका एंडिंग कैसे करेंगे, देखो इसका हम एंडिंग करेंगे इस प्रकार से, रिमेम्बर, ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखना है, एक चीज,
कंक्लूडिंग लाइन है, सेव एनवायरमेंट एनवायरमेंट को बचाओ, इसका मतलब ही मीन्स सेव अर्थ, ERTH, सेव एनवायरमेंट मीन्स सेव अर्थ। ठीक, यहां तक हो गया, सामने चलते हैं। अब सेव अर्थ मीन्स सेव लाइफ, सेव एनवायरमेंट मीन्स सेव अर्थ, एंड सेव अर्थ मीन्स सेव लाइफ, सेव लाइफ। अगली बात समझ में, सेव एनवायरमेंट मीन्स सेव अर्थ, एनवायरमेंट को बचाने मतलब ही अर्थ को बचाना, और जहां पे अर्थ को हम बचाने की कोशिश करते हैं या फिर बचाने में सक्षम हो जाते हैं या फिर बचाते हैं, इसका मतलब हमने किसको बचाया है, लाइफ को बचाया है। किसकी लाइफ बच गई है, हमारी, आपकी, दुनिया की। दुनिया की मतलब जो जनता रहती, जो पब्लिक रहती, जो लोग रहती, उन सबकी तो बचा लिया। उसके साथ साथ इनसेपरेबल हिस्सा है कौन, एनिमल्स और बर्ड्स, और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें भी पता है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दे आर पॉजिंग थ्रेट चैलेंजेस टू अस। ठीक है, हमारी जो तबीयत में बिगड़ पानी होती है या फिर बिगड़ती, उसके पीछे का कारण कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें नुकसान ही करवाता है। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा फायदा मिलता है। ठीक है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमें बचाना चाहिए, who are in support of us, जिसकी वजह से हमारा फायदा होता है। बट तो save earth means save life, अर्थ को बचाया। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ पे होते हैं, वो कभी हवा में घूमते हैं तो कभी जमीन के ऊपर होते हैं, इज इट, तो उसको भी बचाना है। सो सेव अर्थ मीन्स सेव लाइफ, ये हो जाएगा हमारा सेव एनवायरमेंट से रिलेटेड लिफलेट या फिर अपील। इस प्रकार से जो है ना, हम जनता को रिक्वेस्ट करेंगे, अपीलिंग करेंगे कि एनवायरमेंट को किस प्रकार से बचाना चाहिए। हम देखो यहाँ पे जो है ना 6-7 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, किससे रिलेटेड है, वो जनता को बता रहे, सजग कर रहे, ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल कि ये पॉइंट्स देखो, इनको पढ़ो, एनवायरमेंट क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू और डोंट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना हमने इन पॉइंट्स के माध्यम से समझाया है। लिफलेट या फिर अपील राइटिंग की जाती है। आई होप कि आपको ये जो अपीलिंग है या फिर किस प्रकार से अपील लिखा जाता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताना ना भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, शेयर करो, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई टॉपिक से लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, जिसके कारण आपको पढ़ाई में उसकी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना ना भूलना, कमेंट्स करो, और कोई अगर टॉपिक है जिसमें आपको तकलीफ है, जो सीखना है, आपको समझना है, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आपको, तो वो उस कमेंट्स में लिखकर हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, वो कमेंट्स के आधार पर वो टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी खासी वीडियो जो है ना यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। क्लियर, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना है, उसकी वजह से जो है ना मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, एक अच्छे से अच्छे टॉपिक, अच्छे से अच्छे वीडियो जो है ना आपकी सेवा में मैं पेश करूंगा, अगर आप भी थोड़ा सा कोऑपरेशन मुझे करते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। Wishing you all the best. Thank you for watching this video and all the listeners. Thank you once again. Jai Maharashtra.